22 पेपर लीक हो चुके हैं गुजरात में और ये गौरव यात्रा निकाल 22। मैं बाकी राज्यों की, भाजपा शासित राज्यों की बात बाद में कभी रखूंगा, उत्तराखंड हो, कर्नाटक हो, 27 साल से तो कांग्रेस वहाँ है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी 27 साल से वहाँ सत्ता में है। आखिर कारण क्या है कि जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य सरकारें हैं वहाँ पेपर लीक एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है? क्या नौजवानों को आप गंभीरता से नहीं लेते? पूरे विश्व का सबसे नौजवान देश माना जाए भारत, और उसके नौजवान की ये हालत आपने कर दी हो, और आपका राज्य जहां आप 12 साल मुख्यमंत्री रहे हो, आज आप प्रधानमंत्री हो, जब से आप वहां मुख्यमंत्री बने तब का सिलसिला अगर मैं आपको अभी प्रेस रिलीज में भी दे रहा हूं, आपके बाद आनंदीबेन पटेल आई, उस वक्त कितने पेपर लीक हुए? विजय रूपानी जी आए, कितने पेपर लीक हुए? भूपेंद्र पटेल जी आए, हालत देखिए। स्कूल के पेपर लीक होना, तहसीलदार के होना, वन रक्षक के होना समझ में तो नहीं आता, लेकिन हो रहा है। स्कूल तक के पेपर लीक हो रहे हैं और परीक्षाएं टल रही हैं, ये हालत है गुजरात के नौजवान की। भारतीय जनता पार्टी 27 साल से वहां सत्ता में है। अब बताइए किसको वो किसका नाम लेंगे? नेहरू जी का लेंगे?